जीत फिक्स। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉप करो और अवार्ड लेके स्टेज से नीचे उतरो तब नीचे बैठी भीड़ में से एक सिंपल कपड़े पहने एक इंसान निकले और तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के गर्व से बोले कि बेटा आज तक तुम मेरे नाम से जाने जाते थे लेकिन आज मुझे तुम्हारी वजह से एक नई पहचान मिली है। जाओ और अपना नाम रोशन करो, वो काम करो जो मैं नहीं कर पाया। और इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी की खुशी से रोने की आवाज तुमको इमोशनल कर दे, वहां पर बैठी भीड़ की तालियां उनकी आवाज को दबा देगी। कोई इंसान 70 पार चढ़ सकता है लेकिन अगर उसके जूते में पैर के नीचे एक छोटा सा पत्थर भी अटक जाए तो वो 70 कदम पर ही दिक्कत करने लगता है। सीधा सा मतलब है, छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को करने से रोकने की वजह बन जाती है। तू पढ़ाई के पहाड़ को चढ़कर पार तो कर सकता है लेकिन तेरे जूते में एक छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है, इसलिए तू थोड़ा थोड़ा पढ़ के रुक जाता है, दो चार दिन पढ़ के भटक जाता है, टाइम टेबल तेरा 2 दिन ही चलता है। रीजन बहुत साफ है, क्योंकि तेरे जूते में वो छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है और वो पत्थर तेरा ये सोचना कि आज के लिए इतना ही काफी है। और जब तू ये सोचता है कि आज के लिए इतना ही काफी है तब तुझे लगता है कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, आज तो मैंने इतने पेज रट लिए, आज तो मैं 4 घंटे पढ़ लिया, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है तू। अभी लात मार इसी थॉट को और बोल दे अपने दिमाग को कि भाई तेरी एक नहीं चलने वाली, मैं पढ़ूंगा, जब तक टॉप निकल लेता तब तक पढ़ूंगा, जब तक आंखों से पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ूंगा, जब तक मोहल्ले वाले लोग सुबह उठना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे तब तक पढ़ूंगा, जब तक मेरी मंजिल मेरा जॉब मेरा टारगेट मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। अभी तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने, कितने दिन निकल गए सोचते सोचते, और एग्जाम का भयानक मुंह तो मुझे दूर से दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन सुन ले एग्जाम के भूत, मैं भी हूँ तेरा यमदूत, तू मुझसे बड़ा नहीं है, साले तुझे टॉप करके मानूंगा। जिस दिन तेरे अंदर इस तरह की डिमांड आने लगेगी तू बदलने लगेगा, तेरे दिमाग में चल रहे रंगीन सपनों पर कंट्रोल होने लगेगा, तेरी लाइफ के रियल सपनों पर पकड़ बनने लगेगी। बस ये छोटा सा स्पार्क दे दे खुद को कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, अभी तो बस शुरुआत है। कई 1000 किलो वजन ले जाने वाले स्पेस शटल को भी मिलने वाला थ्रस्ट एक छोटे से स्पार्क की वजह से स्टार्ट होता है। तेरे अंदर तो करोड़ों डिग्री की आग जल रही है बे, तू तो पूरी दुनिया को चांद पे ले जा सकता है। ये रॉकेट ये प्लेन सब इंसान ने बनाया है, वो इंसान जिनमें तेरे जैसी हड्डियां थी, तेरे जैसे हाथ थे, तेरे जैसी चमड़ी थी, फर्क इतना ही था कि उनके हाथ मोबाइल पर उंगली चलाने की बजाय पेपर और पेंसिल से अगले आविष्कार का स्केच बनाने में बिजी रहते थे। फर्क इतना ही था कि उन्होंने अपने दिल की हर बात को हर इशारे को बड़ी नजाकत से संभाल के रखा था और दिमाग को ऑर्डर दिया कि अब मैं जैसे चलाना चाहूं ना वैसे तू चल, जब मैं कहूं तब सोना है तुझे, जब मैं कहूं तब सोचना है, जब मैं कहूं तब तुझे सोचना बंद भी करना है, तुझे ये भी कंट्रोल करना है कि तुझे कहां सोचना और कहां नहीं सोचना। लोगों को छोड़ दे यार, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, या तो उन्होंने सब कुछ पा लिया या वो कुछ पाना नहीं चाहते। पर तू तो अलग है ना सबसे, तू तो कुछ अलग करना चाहता है ना, तू तो नाम कमाना चाहता है ना, तू तो सपने पूरे करना चाहता है ना, तो सुन लोगों का वेट मत कर, सही वक्त यही है, उठ और किताब पे लग जा, अभी इसी पल उठ और लग जा अपने काम पर अपने सपनों पर। तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तुझे लगता है कि तू जरूरत से ज्यादा बड़ा सपना देख रहा है, तो सुन मैं तुझमें दाम लगाता हूँ, मुझसे लिखवा कि तेरा सपना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तू सोच रहा है। अगर तू इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है तो उनको पूरा करने की भी रखता है। टाइम लगे तो लगने देना कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कहे तो कहने देना कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी बॉडी कहे कि सोना है तो मत सोना कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-12 दिन में आदत पड़ जाएगी। और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यार ये रात क्यों होती है, मैं रुक क्यों जाता हूं, मुझे तो अभी और काम करना है, मुझे तो अभी और सीखना है, मुझे तो अभी और मेहनत करनी है, मुझे तो अभी और पढ़ाई करनी है, तब सोच लेना कि तुम्हारा नाम अब इस दुनिया में ज्यादा दिन तक छुपा हुआ नहीं रह सकता और इस 4 दीवार से बाहर तुम कभी भी खोजे जा सकते हो, क्योंकि अब तुम में वो जुनून जाग गया जो एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, एक छोटे कद वाले खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान बना देता है, एक रिक्शे वाले के बेटे को IAS बना देता है, 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को किसी देश का राष्ट्रपति बना देता है। तेरा भी बहुत जल्दी नाम चमकेगा अगर तू इसी तरह से लोगों की बातें ना सुनकर अपने काम पर अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा। तो आलस को छोड़ दे, नींद को तोड़ दे, फेल होने का डर निकाल दे, कितनी बार फेल होगा बता, 5 बार 10 बार, ओए सुन तू बार बार फेल होगा ना तो वो भी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड ही बनेगा। याद रख जो टीम बार बार हार करके फिर फाइनल में कोई बड़ा मैच जीतती ना तो नजारा कुछ और ही होता है। तो अब सो मत, तेरी जीत फिक्स है, तुझे कोई नहीं रोक सकता, कम ऑन, साबित कर दे कि कितना दर्द छुपा तुझमें, कितनी आग लगा सकता है तू उससे इस दुनिया में, कम ऑन यू कैन डू इट, तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो, जय हिंद। जीत फिक्स।